गाइज, कैसे हो आप सब? तो आज मैं एक काफ़ी कमाल के iOS के फीचर के बारे में बात करने वाला हूँ, जो फीचर आप किसी भी अपने डिवाइस में, शॉमी का हो या स्टॉक एंड्रॉयड हो, किसी भी डिवाइस में इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। हाँ गाइज, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो iOS 13 का कंट्रोल सेंटर के बारे में। हाँ गाइज, iOS 13 का जो कंट्रोल सेंटर है वो आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और बड़े आराम से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास शॉमी का Mi A1 है और इसमें मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है और काफ़ी अच्छे से गाइज यहाँ पे चल रहा है। मुझे कोई भी इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिला, ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो या यहाँ पे कस्टम यहाँ पे फ्लैश लाइट हो, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेटर ऐप हो, तो सभी चीज़ें गाइज यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्क करते हैं। यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन हो तो आप किसी भी डिवाइस में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके साथ यहाँ पे और भी कुछ फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन शॉट लेने का। हाँ गाइज, वन क्लिक से यहाँ पे स्क्रीन शॉट लिया जाता है, यहाँ पे देख सकते हो। और इसके साथ यहाँ पे गाइज आप अपने कस्टम एप्लीकेशन भी यहाँ पे रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने फेसबुक, व्हाट्सअप यहाँ पे रख दिया है। तो ये गाइज काफ़ी कमाल का यार कंट्रोल सेंटर लगा मुझे, जो हमें iOS 13 को देखने को मिलता है। यहाँ पे म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, एयरप्लेन मोड, ये भी आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और गाइज, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन पर भी प्रेस करना, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। और गाइज, इसे मैंने अपने Poco F1 में भी इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि गाइज मुझे काफ़ी पसंद आया यार एप्लीकेशन, सच में काफ़ी कमाल का है। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अपने Poco F1 में और Xiaomi Mi A1 में दोनों भी डिवाइस में इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है इसका प्रोसेस मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो ऐसे कुछ फीचर थे, और भी फीचर है जो मैं सभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और गाइज, आपको वीडियो थोड़ा सा भी यार पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, लाइक ठोकना यार, आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो सिंपली गाइज आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में आपको ये एप्लीकेशन सर्च करना है, कंट्रोल सेंटर iOS 13, और सिंपली इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं अनइंस्टॉल इसलिए कर रहा हूँ कि आपको इंस्टॉल करके पूरा का पूरा प्रोसेस बता दूँ। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है, तो काफ़ी कमाल का रेटिंग है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन का 4.3 शायद रेटिंग है। यहाँ पे मैंने एक बार इंस्टॉल किया था, इसमें नहीं दिखा रहा। तो एप्लीकेशन सिंपली गाइज इंस्टॉल होने के बाद इसे आपको ओपन करना है, और यहाँ पे ओपन करने के बाद थोड़ा रुकना है, आपको एक ऐड दिखेगा तो उसे स्किप कीजिए। और यहाँ पे डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स का एक परमिशन मांगेगा, सिंपली इसे आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के ऐड आएगा, उसको क्लोज करना है, सिंपली यहाँ पे ऑन ऑफ एक बार करना है। और यहाँ पे गाइज पोजीशन आएगा, तो ये जो नीचे आप देख सकते हो इसका पोजीशन आप यहाँ पे लेफ्ट राइट में रख सकते हो, यहाँ पे देखिए राइट में रख सकते हो, मैंने बॉटम पे रखा क्योंकि मैं वन हैंड से फ़ोन यूज़ करता हूँ। तो सिंपली आपको ऐसे टैप करने के बाद ये पोजीशन चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, इधर उधर कहाँ पे करना है, उसके बाद बैक आना है और आप यहाँ पे रिक्वेस्ट पे ओके कीजिए। यहाँ पे और एक मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा सिस्टम सेटिंग के, तो उसको भी इनेबल करना है और सिंपली एक बार चेक कीजिए, आपका यहाँ पे कंट्रोल सेंटर आ जाएगा। तो इसमें कुछ एप्लीकेशन या कुछ भी आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, कस्टमाइज कंट्रोल पे आना है, और यहाँ पे आप अपने पसंद के एप्लीकेशन, जैसे कि यहाँ पे मैं कैमरा ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे क्रोम ऐड कर सकता हूँ, तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली ऊपर करने के बाद यहाँ पे कैमरा क्रोम आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी परमिशन है दे देना है, जैसे कि ब्राइटनेस इसका भी परमिशन मांगता है कभी कभी, जैसे कि फ्लैश लाइट इसका परमिशन मांगता है, इसे अलाउ करना है। तो उसके बाद सिंपली एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ एप्लीकेशन था गाइस, आपको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।